देखिए दोस्तों, अगर हम कुंभ के मेले की बात करें तो हमारे मन में सबसे भीड़भाड़ वाला मेला या सबसे बड़ा मेला, यही दो सवाल आते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि 12 वर्षों में एक बार ही मनाया जाता है कुंभ का मेला, या अर्ध कुंभ 6 वर्षों में एक बार ही मनाया जाता है? तो अगर हम अपने शास्त्रों की माने तो शास्त्रों के अनुसार जो हमारे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो कीमती वस्तु निकली थी, यानी हीरे जवाहरात रत्न वगैरह अमृत वगैरह जो भी कुछ निकला, उसे पाने के लिए बहुत भारी संघर्ष हुआ था हमारे देवताओं और राक्षसों के बीच में। उस संघर्ष को चलने के लिए लगभग 12 वर्षों का समय लगा था, उसके बाद वो जाके कहीं पर एंड हुआ था। तो उसी इंटरवल के बाद जो मेला मनाया जाता है उसे कुंभ का मेला कहा जाता है। और अगर माने साइंस की, तो साइंस के अकॉर्डिंग, यानी साइंस के अकॉर्डिंग तो नहीं पर हमारे सनातन के अकॉर्डिंग भी, जो बृहस्पति ग्रह है, जो जुपिटर ग्रह है, वो अपनी एक साइकिल पूरी करता है लगभग 12 वर्षों में। उसी साइकिल के पूरा होने के बाद जो मेला मनाया जाता है वो कुंभ का मेला, और 6 वर्षों में जो मनाया जाता है वो है अर्ध कुंभ।